ताना चक्रवात को लेकर उड़ीसा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की टीम ने तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा में 56 टीमें तैनात की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है, तो वहीं इस तूफान का असर पूरी से लेकर पश्चिम बंगाल के तट तक देखने को मिल सकता है। बीजेपी अध्यक्ष ने यमुना में लगाई डुबकी और यमुना किनारे लगाया आतिशी और अरविंद केजरीवाल का सिंहासन तथा यमुना में मौजूद प्रदूषण में डुबकी लगाने की दी चुनौती। बिग बॉस 18 से इवेक्ट होने वाली पहली कंटेस्टेंट और वायरल भाभी हेमा शर्मा पर पति ने लगाया आरोप, कहा गलत संगत में हेमा पड़ गई थी, साथ ही रात को घर से भी गायब हो जाती थी और इतना ही नहीं उन्होंने बच्चा बेचने तक की थी कोशिश। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी चुना है, तो वही करहल सीट पर फूफा और भतीजा होंगे आमने सामने, जिस कारण सापा में मची है खलबली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर से हमला करने के प्लान को अंजाम दिया, लेकिन इस बार आतंकियों ने पुलवामा के तत्र क्षेत्र में यूपी के एक मजदूर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मजदूर अभी अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।